यानी कि सुनीता का। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम भी स्वस्थ हैं और सुबह की हो गई है दोस्तों, लगभग 11 बज गए हैं और सुबह का सारा काम हमारा हो चुका है। और कल की ब्लॉग में मैं आप लोगों को अधूरा ही दिखाई थी दोस्तों, लिपाई जो बाहर का कर रही थी डिस्पेंसर से उसको। तो हुआ क्या कि सुबह से लगी हुई थी मैं लिपाई करने के लिए किचन तरफ का, तो फिर लिपाई करते करते जो है ना मोबाइल का चार्ज ही खत्म हो गया था और ये क्या बोलते हैं, तो फिर बाहर का करने गई तो फिर लाइट उस टाइम पे आया, मतलब कट गए थे, लिपाई कर रही थी उस टाइम तो थे, कुछ देर के बाद कट गए थे। फिर बाहर निकली करने के लिए तो फिर आए लाइट, तो फिर मोबाइल चार्ज में मैं लगा दी, नहीं बचे थे चार्ज, इसलिए तो मैं अधूरा ही दिखाई। लिपाई करने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई दोस्तों, थोड़ी छोटी सी क्लिक कि मैंने पूरा लिपाई कर लिया है देखिए, और अभी दिखा रही हूँ दोस्तों सूख करके बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आज मैं सुबह जो है करने वाली हूँ, ये देखिए यहाँ पर इसको घोल बना करके रखी हुई हूँ, तो इसी दीवार को करूंगी आज मैं, ये देखिए इसको और इसको, इसको भी करूंगी मैं दोनों को। और कल करी थी तो मैं इधर का की थी बॉडी साइड का, तो दिखाती हूँ आप लोगों को। यह देखिए इधर का हो गया है, उधर वहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ पर थोड़ा सा की हूँ इधर का बाकी है। तो आज हम लोग इधर का ही करने वाले हैं पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक, फिर दूसरे दिन के लिए रह जाएगा ये, देख सकते हैं पिलर हमारा और ये। तो धीरे धीरे करके मैं सारा को कंप्लीट करूँगी, एक ही बार में नहीं होता है, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा धूल गर्द खा खा करके काम करके मेरा सर्दी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो चलती हूँ अब इसको करने के लिए, और आज मैं अकेले नहीं करूँगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ ऊपर पड़ता है ना ऊपर में, तो ऐसे 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 करते दिन भर हाँ यहाँ का दर्द करता है। तो फिर आज मैं उसके पापा जी को बोल रही हूँ कि आप लिपाई कर दीजिए थोड़ी सी, क्योंकि डिस्पेंटर से तो लड़के लोग भी करते हैं, तो कह रही हूँ उनको कर दीजिए और नीचे साइड का मैं करूँगी। तो पता नहीं देखते हैं हेल्प करते हैं या फिर नहीं, बोलने को तो बोली हूँ पर पता नहीं करते हैं या अभी नहीं करते हैं, आएंगे घर तो पता चलेगा, अभी तो घर पर नहीं है, छोटी भी नहीं है, उसकी दीदी भी नहीं है, बस मैं अकेली पड़ी हुई हूँ घर पे। तो अभी घोल वगैरह तो बना करके रखी हूँ, आते हैं फिर पता नहीं करेंगे कि नहीं। चलिए बने रहिए, देखिएगा ब्लॉग पे लास्ट तक, मैं अकेले करती हूँ या फिर कोई साथ देता है हमारा उसको, तो पूरी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है ना लिपाई करना शुरू कर दिए हैं। तो मैं ना घर पर ही थी और कुछ कुछ मतलब खाना वगैरह खाए थे, तो प्लेट वगैरह धोई फिर घुसाने लगी, तो उतने तक जो है उसके पापा जी आए और यहाँ पर लिपाई करना शुरू कर दिए थे। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और जो है साल में एक ही बार कर पाते हैं बाहर का लिपाई, क्योंकि बार बार जो है पैसे वगैरह खरीदने के लिए नहीं मिलता है डिस्पेंटर, तो इसलिए साल में एक ही बार हमारा लिपाई होता है बाहर का। और घर का तो जब जब त्यौहार आती है तब तब होता है साफ सफाई अंदर से लेकर के पूरा बाहर, लेकिन जो बाहर का दीवार है अभी लिपाई कर रहे हैं वो नहीं होती, बस एक बार होती है। तो इसको ना हम लोगों ने जब बच्चे छोटे छोटे थे उसी टाइम पे इसको पक्का करवा दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों सिचुएशन ऐसा था कि मैं नहीं कर सकती थी पूरा को छबाई वगैरह, तो फिर बाहर बाहर का करवा दिए पूरा, और अंदर का ऐसे ही है। तो अंदर का तो मैं किसी तरह कर लेती थी, लेकिन जो है देखते हैं ना बारिश सब में बहुत ज़्यादा मतलब खना जाता है, काफ़ी लोगों का घर देखिएगा बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब पूरा मिट्टी जो है ना पानी में धुल जाता है। तो इसीलिए मेरे को बोले कि बच्चे छोटे छोटे हैं और सकेगी नहीं, और क्या बोलते हैं उम्र के हिसाब से छोटे भी थे हम लोग, इसीलिए जो है हम लोग दोनों मिलकर के इसको पक्के करवा दिए। और उस टाइम पे उसके पापा जी अच्छे से काम भी कर रहे थे दोस्तों, तो फिर हमारा घर भी बन गया और जो है घर को प्लास्टर भी करवा लिए। अगर ऐसे ही चलता रहता तो हम लोग का घर एक छोटा सा रहता झोपड़ी जैसा, लेकिन बोलना चाहिए भगवान का आशीर्वाद और भगवान अच्छी नज़र से ही देख रहे थे, इसीलिए शायद तक हम लोग
का घर द्वार जो है अच्छा ही है अब तक तो, लेकिन आगे पता नहीं कैसा होगा वो तो नहीं पता है। जैसे 2024 आई है दोस्तों, जनवरी से ही हमारे घर पे कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ना तो उसके पापा जी का कमर ठीक हो पा रहा है, ना ढंग से काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आप लोगों को तो पूरे ब्लॉग पे बताते आते हैं कुछ भी होता है उसको, तो अभी जो है पहले जैसे काम धाम करने नहीं पाते हैं, तो ऐसे ही चलता आ रहा है हमारा जीवन रहन सहन जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग साल भर में एक ही बार लिपाई करते हैं बाहर का, तो डिस्पेंटर से ही कर देते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग ना दोनों पति पत्नी मिल करके लिपाई करने वाले हैं दोस्तों। और क्या बोलते हैं, काफ़ी लोग ना क्या बोलते हैं कि पत्नी की गुलामी करते ऐसे बोलते हैं। आप लोग बताइए क्या पत्नी का हेल्प करना कोई गुलामी होती है? तो पड़ोस के लोग ना आते जाते लोग देखते हैं, जब तबीयत ठीक नहीं होती फिर भी बोलते हैं कि आज पानी ले जा रहा है, क्या हुआ है ऐसे, मतलब उनका सोच कि हम लोग मतलब थोड़ा सा तबीयत ख़राब होता है और तुरंत सो जाते हैं और नहीं करते कुछ काम ऐसे, मतलब तरह तरह की बातें करते हैं। अगर ये लिपाई अभी देखें तो लिपाई को भी बोलते हैं कि मतलब बीवी अपनी पत्नी का इतना गुलामी करता है कि लिपाई तक करता है ऐसे। बताइए कहाँ लिखा हुआ है, कौन से किताब में लिखा हुआ है कि पति जो है पत्नी की हेल्प ना करें? अगर एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे तो घर द्वार कैसे चलेगा बताइए? सबके जीवन में दुख और सुख आते ही रहता है, कभी मैं बीमार पड़ जाऊं, कभी वो बीमार पड़ जाए। अगर एक दूसरे का हेल्प ना करेंगे तो कब करेंगे? जब बूढ़े हो जाएंगे तब, या फिर इस दुनिया से चले जाएंगे तब? लेकिन इस गांव वालों को ना कौन समझाए, समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरा घर गांव से काफ़ी दूर रहता कि वहां पे कोई ना आ पाता, बस मेरा फैमिली रहता और हम रहते, जैसे लगता है यहां के लोगों की बातों को सुन करके। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि हम लोगों का रहन सहन देख करके इनको रहा नहीं जाता, जलन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग मिलजुल करके रहते हैं इसलिए मेरे ख्याल से लगता है। खैर छोड़िए, जाने दीजिए, यहाँ पर जो है हमारा लिपाई देखिए आप लोग, और फुल एंजॉय कीजिएगा दोस्तों। पूरी की पूरी जो है नेचुरल वॉइस रहेगी और उतना ज़्यादा तो कुछ आनंद नहीं है आज, क्योंकि दोस्तों बच्चे लोग नहीं थे, दोनों के दोनों, बस हम लोग दोनों ही थे। सुबह ही जब मैं ब्लॉग स्टार्ट की तब भी बताई थी आप लोगों को, कोई नहीं है घर पर, मैं अकेली हूँ, तो फिर तीनों के तीनों नहीं थे। उसके पापा जी बाद में आए तो फिर लिपाई करना शुरू कर दिए मैं बोली तो, क्योंकि ये भी देखते हैं दोस्तों, हमेशा काम करते रहती हूँ, कितना भी दुख हो या सुख हो करते रहती हूँ, तो कुछ भी बोल देने से ना सुनते बहुत जल्दी हैं। पहले नहीं सुनते थे, लेकिन बोलते हैं ना समय के साथ सब कुछ बदलते हैं, तो ऐसा ही हो रहा है हम लोग के साथ भी। तो बने रहिए और नेचुरल वॉइस की फुल आनंद लीजिए, और कैसा लगता है हमारा लिपाई आप लोग जरूर बताइएगा लास्ट में। Bye.
तो दोस्तों आप सभी को दिल से धन्यवाद हमें इतने प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। और आप सभी ने पिछले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस ब्लॉग में भी आप लोग उतना ही आशीर्वाद और प्यार दीजिए जितना पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने दिया है, क्योंकि आप लोगों की सख्त ज़रूरत है दोस्तों। जितना ज़्यादा हो सकता है हमें सपोर्ट कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग ही हो जो कि हमें आगे बढ़ा सकते हैं और हमारी बेटियों को हमसे दूर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो बीते वर्ष से पता है दोस्तों हमारी छोटी भी हमसे दूर हो जाएगी। अगर आप लोग हमारी हेल्प करोगे तो हमारी छोटी हमेशा हमारे पास रहेगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है दोस्तों पढ़ाने के लिए कि हम लोग घर से मतलब पढ़ाएं बस में भेजें। इसलिए अगर आप लोग हमारी वीडियो शेयर करेंगे तो बीते वर्ष जो है हमारी छोटी घर से ही आना जाना करेगी, नहीं तो उसे भी हमसे दूर होना पड़ जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा वीडियो शेयर भी कर दिया कीजिएगा, और कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर जो भी भाई बहन माता पिता पहली बार आए हुए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज का ब्लॉग जो है ना दोस्तों काफ़ी लॉन्ग हो जा रहे हैं, तो इसी ब्लॉग के साथ जो है मैं समाप्त करने वाली हूँ दोस्तों। और अगला जो है बचा हुआ हमारा लिपाई पुताई जो भी काम है वो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों।